आज की इस वीडियो में तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए सभी क्वेश्चन परसेंटेज से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए, अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे बना दूंगा ये कोई आयत है, ठीक है। अगर ये कोई आयत है इसकी ये बीमा क्या कर दू, लंबाई वाली बढ़ा दू और ये बीमा भी क्या कर दू बढ़ा दू, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? आप पहले से क्या बताएंगे, आयत का पहले क्षेत्रफल इतना था लेकिन अब ये कितना हो गया, इतना हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसके लिए फार्मूला क्या बने आपका, ये बनेगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला आपका ये बनेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। जब आयत की दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले का कैसे कैसे क्वेश्चन यूज होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सेकंड देखिए क्या है, जब दोनों बीमाओं में कमी की जाए, अगर मैं मान लो ये कोई आयत है, अगर ये कोई आयत है इसकी ये बीमा में क्या कर दू, जो इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, इसकी ये बीमा में काट के क्या कर दो, छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये बीमा भी काट के छोटी कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, पहले आयत का क्षेत्रफल इतना था लेकिन अब ये आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना हो गया। काटने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल क्या हो गया, कमी हो गई। तो प्रतिशत कमी बराबर आपका ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, जब एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में कमी की जाए, कहने का मतलब यह कि अगर ये कोई आयत है, ठीक है, अगर ये कोई आयत है इसकी ये बीमा में क्या कर दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ, इस तरह से मैं बढ़ा दिया, ठीक है। और ये बीमा मैंने क्या कर दिया, काट के इसको छोटी कर दिया, यहां से इसको क्या कर दिया, काट के छोटी कर दिया, कुछ इस तरह से हो गया। अभी आपका ये आयत दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा जाए कि आयत का क्षेत्रफल घटेगा कि बढ़ेगा, तो पहले आयत का क्षेत्रफल ये था लेकिन जब ये बीमा मैंने बढ़ा दिया और इसको काट के छोटा कर, आयत का क्षेत्रफल आपको ये मिल गया, ठीक है। अब इसमें ये पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल घटेगा कि बढ़ेगा, तो आपको बता रहा हूं इसके लिए फार्मूला आपका ये यूज होगा। प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिशत कमी या वृद्धि क्यों लिखा है, मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आपका आंसर किसमें मिले, अगर आपका आंसर पॉजिटिव मिले, क्वेश्चन को सॉल्व करने पर अगर आपका आंसर पॉजिटिव मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे, आयत के क्षेत्र में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आयत के क्षेत्र में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर आंसर किसमें मिले, निगेटिव मिले, तो आप क्या कहेंगे, आयत के क्षेत्र में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्वेश्चन को सॉल्व करने पे अगर हमको हमारा आंसर ये आएगा पॉजिटिव में आएगा तो हम क्या कहेंगे, आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। अगर आंसर निगेटिव में आएगा तो हम क्या कहेंगे, आयत के क्षेत्रफल में कमी हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब इन तीनों टॉपिक से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे देखिए सब है। चलिए अब इन तीनों टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक आयत की दोनों बीमाओं में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। जो मैंने आपको पहला फार्मूला बताया, सेम उसी पे लगेगा। इसमें हो क्या रहा है, आयत की दोनों बीमाओं में मीन्स लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या कर 10% की वृद्धि कर दे रहे, तो पूछे कि आयत का क्षेत्रफल क्या, आपसे ये पूछा गया। इसके लिए फार्मूला मैंने आपको ये लिखा है, हम लोग क्या करते हैं, ए का मान भी 10 है और बी का मान भी कितना है, 10 है, इस पर रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा और यहां से 10 गुणे 10 और पूरे का बटा 100। अगर मैं इसको यहां से काट दू कितनी बार, एक बार में कटिएगा, 10 10 20 हो गया और ये कितना हो गया, 21 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। सी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ होता है, उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया। अगर हम आयत से कंपेयर करें, ठीक है, अगर यहाँ से क्या करें, आयत से कंपेयर कर ले, तो ये हो क्या रहा है, आयत की इस बीमा में 10% की वृद्धि हो जा रही है और इस बीमा में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। यानी कहने का मतलब खरीदते समय भी 10% का लाभ ले रहा है और बेचते समय भी क्या कर रहा है, 10% का लाभ ले रहा है। अगर हम आयत से कंपेयर करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से लगा सकते हैं। और पहला फार्मूला आपका लगेगा, तो
तो यहां से प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ए प्लस बी प्लस ए बी अपन 100, यही तो मैंने आपको लिखवाया था। ए का मान कितना है 10 है और बी का मान भी कितना है 10, तो यहां से 10 प्लस 10 हो जाएगा और 10 गुणे 10 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। अगर आप इसको यहां से काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा 10 10 20 हो गया और एक कितना हो गया 21 हो गया, अर्थात आप बता सकते कि उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए कौन सा उसने मैच करा, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया। तो मैंने आपको जो दूसरा फार्मूला बताया उसी फार्मूले का इसमें यूज होगा। इसमें ये कहा गया कि अगर ये कोई आयत है, ठीक है, अगर ये कोई आयत है इसकी लंबाई में क्या कर दी कमी कर, यानी ये बीमा में क्या कर दी कमी कर दी गई, और चौड़ाई में भी क्या कर दी कमी कर दी, यानी इस बीमा में क्या कर दी कमी कर दी, तो आयत का क्षेत्र पहले से क्या हो जाएगा घटेगा कि बढ़ेगा, तो आप बता सकते हैं पहले से क्षेत्र क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको ये लिखवाया था, करने के यहाँ पे रखे सॉल्व पे लिया जाएगा आंसर। तो यहाँ से प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस 10 हो गया माइनस 20 गुणे 10 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। ये 00 से इसका ये 00 कट गया, अब देखिए इन दोनों को जोड़ो तो मुझे कितना मिल गया 30 मिल गया, और 30 में से 2 घटा दो तो कितने मिल गया 28 मिल जाएगा, अर्थात आप बता सकते हैं कि आयत के क्षेत्र में क्या हो जाए इतने परसेंट की क्या हो जाएगी कमी होगी। तो देखिए कौन सा उसने मैच करा, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए, लंबाई को क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयत क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया। मीन्स क्या पूछा गया, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है तो चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। अगर हम लोग आयत से कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, एक बीमा में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है और एक बीमा में क्या हो रही है कमी हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या फार्मूला आपको बताया था, यहां से मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर मैंने क्या लिखा था, ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यही तो मैंने आपको लिखवाया था। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा प्रतिशत कमी या ऑब्लिक वृद्धि, तो सब कुछ आपको पता है लेकिन आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें प्रतिशत जो बढ़ रहा है इसे लिखेंगे, वृद्धि वाला पहले लिखेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा माइनस 40 गुणे 20 और पूरे का बटा कितना यहां से 100 हो गया। यहां से ये 00 से इसका ये 00 कट गया, अगर मैं यहां से गुणा कर लूं तो कितना मिल गया मुझे 8 मिल गया, अगर इन दोनों को जोड़ लो तो कितना 28 मिल गया, माइनस में 28 मिल गया। अब 40 में से अगर 28 घटा दिए तो कितना बच जाएगा 12% बच जाएगा। अब आपको यहां से देखिए अगर यहां से प्लस चिन्ह ये शो कर रहा है तो उसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, यानी चीनी के मूल्य में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, जो उसका क्या हो रहा है व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 12% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करें तो अगर आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा तो मैंने आपको क्या लिखा था उसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, मीन्स उसके व्यय में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। अगर आंसर हमारा क्या होता है निगेटिव में मिलता तो हम लोग क्या कहते हैं उसके व्यय में क्या हो रही है कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पे आंसर पॉजिटिव मिला तो क्या हो गया यानी उसके व्यय में क्या हो जाएगी 12% की वृद्धि हो जाएगी, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा। क्या पूछा, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं कोई वृत्त बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे वृत्त बना दिया और ये यहाँ से क्या है त्रिज्या है, अब इसमें ये कहा गया कि इसकी त्रिज्या क्या कर दी 50% बढ़ा दी है, अगर मैं इसकी यहाँ से त्रिज्या कुछ बढ़ा दे रहा हूँ, अगर यहाँ से अब सर्कल इस तरह बनेगा अब ये क्या होगा वृत्त इस तरह से बन जाएगा। अब ये देखिए क्या हो रहा है वृत्त की क्या ये इस बीमा में वृद्धि तो हो ही रही है, यानी त्रिज्या में वृद्धि तो हो ही रही है साथ साथ में इस बीमा में भी वृद्धि हो रही है, तो कह सकते हैं अगर ये कंपेयर किए आयत से आयत की दोनों बीमा में वृद्धि हो रही है कि नहीं, अगर ये क्या हो रहा है दोनों बीमाओं में वृद्धि हो रही है, अगर इससे कंपेयर किया तो ये हमारा यही तो बनेगा,
तो इसके लिए मैंने फार्मूला को क्या लिखवा था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये तो मैंने आपको लिखवा था, उसमें रखकर सॉल्व कर लेते और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहां से प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, यानी ए और बी का मान कितना है, 50-50 है, ठीक है। तो 50 यहां से 50 गुणे 50 और पूरे का बटा 100, ये 00 से इसका 00 कट गया, यहां से 100 दे देगा और ये कितना 25। अगर इन सभी को जोड़ लो तो कितना मिली मुझे, 125 मिली। अर्थात आप बता सकते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या को 10% घटा दिया जाए और फिर 10% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है। मूल संख्या से क्या है, 10 कम है, तो मूल संख्या क्या है आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि परसेंटेज मूल संख्या में कितने परसेंट की कमी हो रही है। वैसे संख्या में तो मुझे पता है कितनी कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है। अगर ये पता करें कि परसेंटेज में कितने परसेंट की कमी, तो क्या करें आप इस क्वेश्चन को क्या करें, सबसे पहले इसको सॉल्व करें परसेंटेज के नियम से। एक बीमा क्या हो रही है, यानी यहाँ पे भी कमी हो रही है और यहाँ पे बढ़ा रहा है, यानी एक बीमा में वृद्धि हो रही है और एक बीमा में कमी हो रही है। मैंने इसके लिए क्या फॉर्मूला को लिखवाया था, प्रतिशत वृद्धि बराबर मैंने क्या लिखवाया था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये तो फॉर्मूला को लिखवाया था। ए का मान कितना है, इतना है, और बी का मान सेम है, यानी ए बी का मान क्या है, सेम है। आप यहां से क्या कर लीजिए, 10 हो जाएगा और ये माइनस 10 हो जाएगा और ये यहां से कितना और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। अगर मैं इसको यहां से काट दूं कितनी बार कटिए, एक बार में कटिएगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा क्या 1%। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस संख्या में अगर परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में कितने परसेंट की कमी हो रही, 1% की कमी हो रही, लेकिन संख्या में कितने परसेंट की कमी हो रही, यहां से 10 कमी हो जा रही, तो कह सकते 1% के बराबर ही है क्या 10। तो करने के आपको इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिए, आपको क्या कर जाए आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया, इससे इसमें भाग दीजिए, 10 से क्या करना 1 में भाग दे दीजिए और वो संख्या जो भी रहेगी अपने आप पे 100% रहेगी, आपको ये क्या पता चले, वो संख्या आपको पता चल जाएगी। यहां से कर लेंगे कितना आ जाएगी 1000। अर्थात आप बता सकते कि वो संख्या कितनी है 1000। पहला ऑप्शन किसका मैच करना, सबसे पहले आप ये पता करेंगे परसेंटेज में कितने परसेंट की कमी, ये आपको पता चल गया। फिर मैंने वो क्या बताया, इससे क्या करना आपको इसमें भाग दीजिए, इससे इसमें भाग दे दीजिए, 100 से गुणा करें तो क्या पता चलेगा, वो संख्या आपको मूल संख्या आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि परसेंटेज में कितने परसेंट की कमी हो रही, क्यों परसेंटेज में शुद्ध रूप से पता करें कि परसेंटेज में कितने परसेंट की कमी हो रही संख्या में, ठीक है। तो क्या करें, यहां से अगर आयस से कंपेयर किया है तो यहां से क्या एक बीमा में वृद्धि हो रही है और एक बीमा में कमी हो रही है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या फार्मूला लिखवाया था, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर मैंने आपको क्या फार्मूला लिखवाया था, यहां से हो जाएगा ए का मतलब ये इतना हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा यहां से 20 और यहां से कितना 15 गुणे 20, यही तो होगा, यानी ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यही तो फार्मूला मैंने लिखवाया था। यहां से अगर मैं काट दूं कितना 20-25 100 हो गया और ये 5-3 15 हो गया। अब करने के इन दोनों को जोड़िए, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिले 23 मिल गया। अब 23 में से क्या करना, आपको 5-15 घटाना है, 23 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना मिले आपको -8 मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात आपको ये पता चल गया कि उस संख्या में शुद्ध रूप से कितने परसेंट की कमी है, 8% की कमी है, और संख्या में कितने की कमी हो रही है, 48 की कमी हो रही है, तो कह सकते हैं 8% बराबर 48 आ गया। तो करना है कि आपको 8 से इसमें भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, वो क्या पता चले संख्या आपको पता चल जाएगी। इससे क्या करना है, इसमें भाग दे दीजिए, 48 में 8 से भाग दे देना और 100 से गुणा कर लिए, वो संख्या आपको पता चल जाएगी। यहां से 8 से 48 हो गया, अगर यहां से गुणा कर ले कितना ये 600। अर्थात आप बता सकते हैं कि मूल संख्या कितनी है 600। बी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया, परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपया हो जाए, उस वस्तु का मूल्य कितना है आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले ये पता करें कि उस संख्या में परसेंटेज में क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज में पता कर लेंगे, पता करने के बाद जो भी परसेंटेज में आपको मिलेगा इसमें क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, क्या पता चलेगा उस वस्तु का मूल्य आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है।